अरे बिहार की हालत देख रहे हैं आप, दलितों की हत्या हो रही है, अल्पसंख्यक और दलितों के खिलाफ इनके मंत्री। बिहार विधानसभा का बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आखिरी दिन काफ़ी हंगामेदार रहा। आपको बता दें कि शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई है। विधायकों को टांग टांग कर बाहर फेंक दिया गया है। माले के तमाम विधायक हैं उनको बाहर फेंका गया है। सरकार से वो मांग कर रहे थे और बेल में उतर आए थे। उसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के कहा अनुसार मार्शलों ने विधायकों को टांग कर फेंका है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे होंगे। ये तस्वीर बिहार विधानसभा के जो बजट सत्र है उसे निकलकर सामने आ रही है। अंदर से जो मार्शल ला रहे हैं और बाहर में लाकर विधायकों को फेंक दे रहे हैं। ये सभी माले के विधायक हैं। इनके कहना है कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिसको लेकर आज सदन में तमाम माले के विधायकों के द्वारा हंगामा किया जा रहा था, सरकार से जवाब मांगा जा रहा था। उसी दरमियान तमाम विधायकों को बाहर फेंक दिया गया है। तस्वीरें साफ तौर पे आप देख रहे होंगे। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं महबूब आलम, जिन्हें बाहर फेंका गया है और तमाम माले के विधायक मौजूद हैं। उनका क्या कहना है, क्यों उन्हें बाहर फेंका जा रहा है? बंद करो, क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन और कम्युनलिज्म का जीरो टॉलरेंस का नीतीश कुमार की पोल खुल चुकी है। दलितों की हत्या हो रही है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके पिटाई हो रही है। ऐसी हालत में और इस तरह से हम लोगों ने कार्य स्थगन दिया, विचार विमर्श करने की मांग की। नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। अरे बिहार की हालत देख रहे हैं आप, दलितों की हत्या हो रही है, अल्पसंख्यक और दलितों के खिलाफ इनके मंत्री। गुंडागर्दी चल रही है, सदन के अंदर भी लोकतांत्रिक आवाजों को उठाने की पूरी कोशिश चल रही है। हम लोग अंदर गए, वेल में गए लोग, और वहाँ पे हम लोगों ने सरकार से मांग उठाई कि लॉ एंड ऑर्डर की जो विफलता है, लगातार हत्याओं का जो सिलसिला बिहार के अंदर चल रहा है, सरकार इस पर जवाब दे सदन में। पूरा बिहार, बिहार की समूची जनता जानना चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर ये कब तक ऐसे विफल रहेगा, हत्याएं कब तक होती रहेगी। परसों देखिए कि वीर कुंवर सिंह जो इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, उनके परपोते की हत्या पुलिस द्वारा कर दी गई। दानापुर में दीपक मेहता की हत्या हो गई। तो इन सब मुद्दों को सदन में नहीं उठाया जाएगा तो कहाँ उठाया जाएगा? सरकार को जवाब देना चाहिए था। ये बात है, अपराधियों को, माफियाओं को धक्का धुक्की तो हुआ। मार्शल जब किसी को उठा टांग करके चार पांच लोग उठा करके लाएंगे बाहर, चोट लगना ही है। कई विधायकों को चोट नहीं लगी है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।